विमिलाणम नान दंसन मयाडम तैलोयसी अराडम नमो सया सब सिद्धाडम नमो अरंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सब सागुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एक हजराट श्री मुनिषपतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी मुनराज की, तीन कमनों कोटि माँ मुनराजों की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। हर जीव के जीवन में कुछ नियोग होते हैं जिन्हें वो टाल नहीं सकता। चाह करके भी, पुरुषार्थ करके भी उन नियोगों को टाला नहीं जा सकता। और बूंदी वालों का भी कुछ ऐसा ही नियोग है। पहले 28 तारीख को प्रवेश होना था, फिर 12 तारीख को, लेकिन भगवान ने कहा था कि आज ही नियोग है दर्शन का। जो जीवन के नियोग हैं उनको टाल नहीं सकते, उनका आनंद लेना चाहिए। माँ, आप लोगों का जन्म बूंदी में ही हुआ है सबका। यहाँ बूंदी में नियोग था। भगवान की जो देशना होती है वो भव्य जीव को परमात्मा बना देती है, पाषाण को परमात्मा बना देती है। ऐसे ही भव्य जीवों का नियोग रहता है और बूंदी वालों को तो विशेष नियोग है। अभी तक बूंदी थी, अब लाडू होने वाली है। यहां अपन विगत दिवसों से कमी की भरपाई कैसे करें, इस पर चर्चा कर रहे थे। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कमी है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ वस्तु के अभाव की भी प्राप्ति होती है। चाहिए हो तो भी चीजें नहीं मिलती। अजित, उन चीजों की भरपाई कैसे की जाए जो आपके अंदर कमियां हैं, उनकी भरपाई करना है तो अच्छे गुण होना चाहिए। जितने जितने जैसे जैसे गुण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में भरपाई होती जाएगी। बस गुण बढ़ाते जाओ, सिर्फ और सिर्फ गुण बढ़ाते जाओ। अगर गरीबी है तो धीरज रखना, गरीबी हो तो धीरज रखना, आपकी गरीबी ढकेगी। कपड़े साधारण हो तो साफ रखना, वो चमकेंगे। और अपन ने ये भी समझा था कि अगर भोजन जो है आपका बासा हो जाए, बासा भोजन खाना नहीं। आज के समय में जो जो बासा भोजन खा रहे हैं सब बीमार पड़ रहे हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं जितने लोग बासा भोजन खा रहे हैं। होटल में कितने लोग खाते हैं? ईमानदारी से। अच्छा, कितने लोग नहीं खाते वो हाथ उठा लो, बाकी कम समझ जाएंगे। होटल में जो नहीं खाते, अब आप हाथ नीचे कर लो, हमारी सुनो। जो लोग होटल में खाते हैं वो बासा भोजन ही खाते हैं। माँ, 50 लोगों के लिए एक साथ भोजन बनाना हो, ग्रेवी की सब्जी बनाना हो, कितनी देर लगेगी? 50 लोगों के लिए 10 मिनट बन जाएगी? हाँ, 2 घंटे तो चाहिए। और वहाँ अपने होटल में ऑर्डर किया, 15 मिनट में सब्जी रेडी। 15 मिनट में कैसे रेडी?
15 मिनट में कैसे रेडी, वो 15 दिन पुरानी थी। होटल में जो खा रहे हैं वो बासी खा रहे हैं। फ्रेश खाओगे माइंड फ्रेश रहेगा। अजीत, कर्नाटक की हवा, कर्नाटक के फल फ्रेश, क्योंकि वहां पर वैसी प्रकृति है। अगर फिर भी बासा भोजन है, गरम कर दिया जाए, थोड़ा सा मसाला मिला दिया जाए, तो बासा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। स्वास्थ्य के लिए नहीं कह रहा हूं, हेल्दी नहीं कह रहा हूं, टेस्टी की बात चल रही है। ये उसकी भरपाई है, ये उसकी भरपाई है। और कह रहे हैं अगर कोई सुंदर ना हो तो उसको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपका नेचर, आपका अगर व्यवहारिकता कुशल अगर आप व्यक्ति हो तो आपकी असुंदरता भी ढक जाएगी। संसार के लोग अज्ञानी लोग सुंदरता को सुंदरता मानते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग अच्छे व्यवहार को सुंदरता मानते हैं। एक बहुत सुंदर व्यक्ति दुकान पर बैठा है, जिनवाणी की गद्दी पर बैठा है, कितनी पुण्यात्मा क्यों ना हो, अगर गद्दी में बैठ के अपशब्द निकलते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। साधुओं के मुख से साधुओं की भाषा ही अच्छी लगती है। साधुओं के मुख से, चुल्लक जी, साधुओं के मुख से साधुओं की भाषा अच्छी लगती है, असाधुओं की नहीं। रोहित, ससुराल आए हो कि हमारे पास आए हो, तो वहां क्यों देख रहे हो? अब मत देखो, अब तो हमारे पास हो। इसको वो घोड़े वाली वो लगाओ पट्टी, चंद्रेश भी है। लो, तुम्हारी बेटी भी हंस रही है। सुनो ध्यान से, ससुराल आओ तो वही घर जैसा मिले खाने, तो मजा क्या? कुछ तो चटर पटर अलग होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? होता कि नहीं? वो शुरू शुरू में होता है, फिर तो तुम घंटी बजाते रहो। हाँ हाँ खोल रहे, 10 मिनट तो रुको लाला जी। और पहले से ही खुला गेट मिलता था जब नई नई विदाई थी। ससुराल आए हो और वही भोजन मिले तो क्या मजा। और गुरुओं के पास आए, जिनवाणी सुनने आए और वही राग द्वेष सुनने मिला तो क्या मजा। वही भाषा समिति का अभाव सुनने मिला तो क्या मिला? कुछ तो अलग मिलना चाहिए। बूंदी में कोई नई होटल खोले, आप लोग जाते ना टेस्ट करने? क्यों भाई, क्या नाम तेरा? चिराग बेटा, कोई बूंदी में नई होटल खुले तो टेस्ट करने जाते कि नहीं? पड़ोसी के मुंह में पानी तो आ गया है यार, इसके यहाँ बढ़िया पाइनएप्पल रहता है, एक बार चलो टेस्ट तो करो। और वहीं तुम जाओ और वही मूंग की दाल और लौकी मिले, आनंद नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? हम जब साधुओं के पास आते हैं तो हमें साधुता सुनने मिलना चाहिए, साधुता देखने मिलना चाहिए। ये उनका अच्छा व्यवहार है। ये जो श्रावक लोग आते हैं ना अपरमित सागर जी, ये आपके पीछे का मंडल छुड़ाने नहीं आते, ये केवल आशीर्वाद लेने आते कि चरण स्पर्श कर लें, आशीर्वाद मिल जाए, चलो अपना दिन मंगल। वहीं छू छू अच्छा नहीं लगता। नमन कहाँ है? सुन ले भाई, युवा मंत्री, अब युवाओं का ही दौर है, लेकिन भैया युवाओं से कहना है वृद्धों को लेके चलना। वृद्धों का अनुभव और युवाओं का जोश सफलता दिलाता है। वृद्धों का अनुभव, इसलिए अगर आप सुंदर नहीं हैं तो व्यवहार अच्छा रखें, तो आपका कुरूप, आपका असुंदर होना भी सुंदर प्रकट होगा। लेकिन अगर आप सुंदर हैं तन से, तो मन से भी सुंदर हो जाएं और अच्छा होगा। लोग चेहरे से व्यक्ति की पहचान करते हैं, मेरा मानना है चेहरे से व्यक्ति की पहचान न की जाए, व्यक्ति की पहचान उसके मन से की जाए। चमकता हुआ चेहरा तो वो मेकअप से भी हो जाता है। आप लोग जाते ना कहाँ पर,
सोले का ब्यूटी पार्लर, शुद्ध सोले के पानी से हमारे आईब्रो बनवाई जाती है। अब वो समय बदल गया है ऐसे सागर जी, सब ट्रेंड में है, सब ट्रेंड में है। माँ, ब्यूटी पार्लर जाने से कोई सुंदर नहीं होता, बहिरंग श्रृंगार करने से कोई सुंदर नहीं होता, श्रृंगार अंदर करोगे तब बाहर सुंदरता आएगी। भगवान समंत भद्र स्वामी ने सुंदर होने का उपाय बताया है, बताऊं? बताऊं? रोहित, तुम पाउडर लगाने से गोरे थोड़े ना हुए? कि तुम्हारी माँ ने फेयर एंड लवली खाई थी क्या? सुनना, सोचना ध्यान से, इससे कोई सुंदर नहीं होता। नहीं तो लोग बोले वो नारियल खा लो तो सुंदर बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है। सबका अपना अपना नाम कर्म है। एक ही माँ के गर्भ में दो बच्चे, वो दोनों अलग अलग रंग के, अलग अलग स्वभाव के, सबका कर्म अलग अलग है। गोरे होने का उपाय बताऊं? डॉक्टर वाला नहीं, भगवान समंत भद्र स्वामी का। पहले कहानी सुना देता हूं एक, ये अभी कुछ साल पुरानी है। एक लड़की गई डॉक्टर के यहां, उसने कहा डॉक्टर साहब हमारी सगाई पक्की हो गई है, कोई ऐसी दवाई बताएं कि गोरी हो जाऊं। तो डॉक्टर ने उसको एक दवाई दी थी, ब्लीच, कि बोले इसको इतना सा लगाना, इतनी देर लगाना। तो जो ऊपर ऊपर की स्किन थी वो जल गई, तो थोड़ा सा कलर अच्छा हो गया। उसने सोचा जब 5 दिन लगाई है इतना अच्छा हो गया, 1 महीने लगा लूंगी तो और अच्छा हो जाएगा। उसने 1 महीने तक डबल टाइमिंग में लगाई, पूरी स्किन जल गई, डबल काली हो गई। ये क्रीम लगाने से गोरे नहीं होते, भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं भक्ते सुंदर रूप, परमात्मा की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जो जो अभी हैं गोरे नारे चिट्टे से, उन्होंने पूर्व भाव में भगवान की भक्ति की थी, गुरुओं की भक्ति की थी, और वर्तमान में भी नाम कर्म है, ये भी नाम कर्म बदल सकता है। गोरे लोग भी काले देखे जाते हैं, काले लोग भी गोरे देखे जाते हैं, लेकिन जो दिल के काले हैं वो बाहर से कितने ही गोरे हों वो काले ही हैं। बगल में छुरी और मुख में, बोलो बोलो ना, बगल में छुरी और मुख में राम राम। ये लोग दिख तो रहे हैं गोरे लेकिन है नहीं। भारत में 26 प्रकार की रामायण है, कितनी? उसमें से एक रामायण में प्रसंग आता है कि राम लक्ष्मण सीता पंपा सरोवर के बगल से निकल रहे थे, और लक्ष्मण कहते हैं भैया देखो ये बगुला कितना बड़ा भक्त है तुम्हारा। ये बगुला भक्त बोलते हैं ना, बगुला भगत है। ये कहानी कहाँ से चालू ही सुनाते सुनो। बोले भैया जी, बोले बड़े भैया ये कितना बड़ा भक्त है देखो, एक टांग से खड़े होकर के आपका ध्यान कर रहा है। कौन? बगुला। ध्यान रखना, जो जो आपके पास आए जरूरी नहीं आपके हों, और जो जो आपके पास नहीं आए जरूरी नहीं कि वो आपके ना हों। पास में आया व्यक्ति मायाचारी से भी रह सकता है, और दूर हुआ व्यक्ति मजबूरी में भी रह सकता है। क्या बोले लक्ष्मण? भैया ये तो भक्त है आपका। राम जी दोहा सुनाते हैं, गरीब गति धवल वर्ण एक टांग मुख ध्यान। लक्ष्मण कहता हाँ हाँ भैया हाँ हाँ। गरीब गति यानी धीरे धीरे चलता है, गरीब गति धवल वर्ण सफेद, बगुला का रंग क्या होता है? गरीब गति धवल वर्ण एक टांग मुख ध्यान, भैया लक्ष्मण लगत भगतवत निपट कपट की खान। ये भक्त दिख रहा है, भक्त है नहीं। लगत भगतवत लग रहा है कि भक्त है, निपट कपट की खान। और इतना राम ने बोला, बगुले ने चोंच में चिप मछली पकड़ी और उड़ गया। अब ये मत सोचना, अपने व्हाट्सएप खोल करके देखो आज तुम्हारे लिए प्रवचन चल रहे हैं, किसी के लिए भेज मत देना। आपके लिए नहीं,
अपने लिए चल रहे हैं। इसमें आप कितने हो इसको खोजो। देशना जो होती है वो आपकी खोट निकालने के लिए है, दूसरों को कट मारने के लिए नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कभी कभी अच्छा व्यवहार नहीं करते, पत्नी से, माँ से, व्यापारी से, मित्रों से, अब तो आगे निकल जाओ, गुरुओं से, प्रभु से, भगवान से नहीं करते ना। माँ आप लोग मायाचारी घर में बोल के आते हो, मंदिर जा रहे हैं और बढ़िया बैठ के मंदिर में तुअर की दाल और कल क्या बनना है। उनकी बहू है, इनकी सास ऐसी, उनकी बहू ऐसी, इसकी यहाँ से साड़ी लाए थे वैसी निकल गई, क्या मतलब? परमात्मा से मायाचारी अजीत, ये लोग परमात्मा से मायाचारी कर लेते हैं। बोलते हैं, हे भगवान, क्षुधा रोग विनाशनाय, बोलो, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति, चढ़ाते क्या हो? चिटक। वाह, नैवेद्य क्या होता है? हाँ, नैवेद्य यानी लड्डू, और कोई बताएगा? हाँ, मिठाई, और कोई बताएगा? दादाजी, आप जब बचपन में थे तो नैवेद्य में क्या चढ़ते थे? पुराने लोग याद करो। ओ भैया टी कांगे पाटनी जी, नैवेद्य यानी खाने योग्य सामग्री, उसमें सबसे प्रसिद्ध है लड्डू। अब सोचना चिराग, तुम शाम को बाजार से मावा लेकर के आए, उससे तुमने कहा माँ को कि माँ सुबह सुबह रसगुल्ला गरम गरम खाऊंगा, पेड़े खाऊंगा, और माँ तुम्हारे सामने चिटक की थाई रख दे, बेटा खाओ, उसमें से फफूंद लगी तो किनारे काट के खा लेना, ये नैवेद्य है। भगवान से मायाचारी, अरे जब निर्वाण कल्याणक में लाडू चढ़ा सकते हो तो नैवेद्य में भी लाडू चढ़ाना चाहिए। जैसा दोगे वैसा मिलेगा। देख भाई नमन, अगर यहां तुम हमको धूप में बैठाते ना खुले में, तुम्हें 10 मिनट प्रवचन करता, तुमने छांव में बैठाया तुमको 1 घंटे सुनने मिल रहा है। सुनते जाना, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। बुंदेलखंड का है कोई? बुंदेलखंड में कहते हैं दे पपड़िया सो ले पपड़िया, मतलब अभी दीपावली में आप लोग सोन पापड़ी के डिब्बे बांटोगे ना, एक डिब्बे में पीछे नाम लिख देना अपना छोटे से अक्षर में, साइन बना देना, देखना घूम फिर के एक आध साल बाद लौट के आएगा आदमी, दिखता है इन्हें सोन पापड़ी का डिब्बा दिया, वो निकाल ला बेटा सोन पापड़ी का डिब्बा, तुमने रसगुल्ला दिया तो रसगुल्ला देगा। दे पपड़िया सो ले पपड़िया, जैसा आप दोगे वैसा मिलेगा। परमात्मा भी ऐसा ही करते हैं, जैसा आप कर्म जमा करते हो वापस भी वैसा ही मिलता है। इसमें उदास क्या होना, उपाय खोजिए। अगर कोई समस्या उपस्थित हो जाए परमित सागर जी, तो उसका उपाय खोजना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, हल्ला नहीं करना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ उपाय है उपेक्षा भाव, थोड़ी सी दूरी बना के रखो। और अगर व्यक्ति योग्य ना हो, ओम, अच्छा पता है आप लोगों को, घोर घनघोर, और अपने में रहो, हकूना मटाटा, अपने में खुश रहो। जितना विकल्प रखोगे उतना दुखी रहोगे, जितना खुश रहोगे उतना आनंद में रहोगे, तुम भी और तुम्हारे साथ रहने वाला। चल के कौन कौन आया अभी इतना सारा? हम आए ना, आप लोग तो सुबह ही चल के आए हो। छुलक जी, रात शाम को गर्मी लग रही थी कि नहीं? रात को जहाँ सोए थे अति से, अगली बार भैया खेत में रखाओ तो देख के रुकाना, कम से कम 100 मीटर तक किसी का घर ना हो, समझ गया बेटा? जहाँ घर होते हैं दुकानें होती हैं वहाँ मच्छर होते हैं, लेकिन देखो फिर भी हम खुश हैं, नो वरीज, खुश रहो। क्यों? अरे जिन देशना करने मिल रही है, पापी होता तो बस कहता बूंदी कोटा बूंदी कोटा, बूंदी तालेड़ा, पुण्यात्मा कहता है जिन वाणी बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय जिनेन्द्र, पुण्यात्मा के मुख से शब्द निकलते हैं, और पापी तो बस का क्लिंजर बनता है। पुण्यात्मा लोग जिनवाणी कहते हैं,
पापी लोग जिनवाणी कहने वालों की निंदा करते हैं। निंदा करने वाले के लिए निंदक के भाव मत लाओ। अगर किसी ने आपका बुरा सोच लिया है तो भी उसके प्रति बुरे भाव मत लाओ। बोलूंगी रहने दो। अरे कोई ना कोई आपकी भी पीठ पीछे बोलता होगा, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। ध्यान रखना, जो पीठ पीछे बोले दुखी मत होना, खुश रहना। अगर गलती देखने वाले ना हों, अगर गलती देखने वाले ना हों, गंदगी साफ करने वाले ना हों, तो शहर की गलियां गंदी रह जाती हैं। उनका काम देखना, वो देखें, तुम्हारा काम जीना, तुम जियो। लेकिन व्यवहार खराब नहीं करो। किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार मत करो। रामायण कितने लोगों ने देखी है? पक्का रामायण का सबसे अंतिम क्षण जिस समय रावण की मृत्यु हुई, वो क्षण देखने लायक है। बस उतने में सज्जन दुर्जन की पहचान होगी। उतने में अंकित जब लक्ष्मण के द्वारा चक्र से रावण की मृत्यु हुई, तब का क्षण पूरे रामचंद्र जी के सेना में, वानर वंशी में हर्षोल्लास था, जोश था, जुनून था और जय जयकारे थे। रावण के खेमे में शोक था। 18,000 रानियां सफेद साड़ी पहन के दौड़ के आ गई। कहां पर? युद्ध की भूमि में। इन सबके बीच राम क्या कर रहे थे, सीता क्या कर रही थी, किसी ने सोचा? सीता अशोक वाटिका में बैठकर चिंतन कर रही थी कि अहो, रावण ने एक गलती कर दी, उसकी मृत्यु हो गई। वहीं राम रथ से उतरकर एक पाषाण खंड पर बैठ करके निर्विकार चिंतन कर रहे थे। वो उत्साहित नहीं थे, वो गंभीर थे। ये राम का अच्छा व्यवहार था। जीतने पर भी उन्होंने धीरज का प्रस्तुति करी है कि देखो, मैं जीत गया हूं, अब मैं लंका का स्वामी हूं। फिर भी वो शांत थे। ये है गुड नेचर, अच्छा व्यवहार। आप लोग क्या करते हो? जश्न मनाया जाता है, जश्न। अब तो भैया समाज के चुनावों में जश्न मनाया जाता है। धिक्कार है उनकी परिणति। सुनो, चुनाव समाप्त हुए, देश के नहीं समाज के, उसके बाद होली पार्टी, बम पटाखे फूट रहे, बॉटलें खुल रही हैं। बुरा नहीं मानना लेकिन सच कह रहा हूं। अजीत चुनाव होते ना मंदिरों के, बॉटलें खुलती हैं। बोले आज तो पार्टी है, क्यों चुनाव जीते? तुम किस बात के जैन हो और तुम क्या संदेश देना चाहते हो? आप अगर अध्यक्ष हैं, किसी पद के स्वामी हैं, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन। यहां पे अध्यक्ष कौन है भैया मंदिर का? दादाजी, आप पहले व्यक्ति कहलाएंगे समाज के। अगर अध्यक्ष है, सबसे पहले पूजन अभिषेक करते मिलना चाहिए। जब कभी समाज में कहीं चुनाव हो, पहले जो वोट डालने जा रहे हैं वो एक गाइडलाइन बनाए, रोज मंदिर आएगा, पूजन अभिषेक करेगा, चौका लगाएगा, सप्त व्यसन नहीं करेगा और हर साल चातुर्मास कराएगा, 100-500 किलोमीटर से साधुओं को लाएगा, एक दो साधु लाओ, चार साधु लाओ, माता जी का संग लाओ, कोई भी लाओ, आचार्य परमेश्वरी उपाध्याय जो मिल जाए उनको लेकर के आएगा, चातुर्मास कराएगा, तो उसको अध्यक्ष बनाना। और जो कह दे भैया अब तो अपन तो नहीं करवा पाएंगे काम, तो उसको बोलना भैया हम तुमको अध्यक्ष मानते नहीं हैं, बाहर, बिल्कुल बाहर। क्या बोल रहे भैया, सही गलत तो नहीं कह रहे हम? बुरा लगे तो, बुरा लगे तो भैया क्षमा मांग रहे हैं आपसे हम, लेकिन सच तो यही है। कई कई जगह मैंने देखा कि पहले चातुर्मास होते थे, अब 10 साल से चातुर्मास नहीं हो रहा, क्यों? बोले आदेश आएगा तो होगा। अरे भैया, तुम अगर मंदिर में साधुओं को नहीं लाओगे, समाज में संस्कार कौन देगा? जिस प्रतिमा को आप मंदिर में रखे, उसको संस्कार देने वाले भी मुनि हैं, उसको संस्कार देने वाले भी मुनि हैं। सतर्क रहो, जागरूक रहो, मुनियों को लेके आओ। लेकिन आज एक बात कहना चाहता हूं, हनी बेटा, ये सब तक पहुंचा देना। और
भारत की जैन समाज से मेरा कहना है, सावधान रहें, सावधान रहें। पेड़ तभी कटता है जब कुल्हाड़ी में लकड़ी होती है, लकड़ी नहीं होगी तो लकड़ी नहीं कटेगी। आज भारत में जैन समाज के बीच में ऐसे समूह बन चुके हैं, और वो समूह बनाने वाले जैन मुनि ही हैं। वो क्या करते हैं, उन किसी के क्षेत्र में, अगर उनके क्षेत्र में कोई महाराज पहुंच जाए, उनको बदनाम करते हैं, उनको बदनाम करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको सब पता है। अभी लेटेस्ट में केस पकड़ा गया है, एमपी में एक महिला ने एक महाराज के ऊपर आरोप लगाया। जब पुलिस वालों ने पकड़ा और हम तक बात आई, तो मैंने कहा उसको अंदर ले जाओ, जब तक आप उसे सच ना उगलवा लो तब तक छोड़ना नहीं। बोले क्या, मैंने कहा उसको पैसे मिले हैं बदनाम करने के। जब उसको थर्ड डिग्री दी गई तब उसने कबूल किया, एक जैन मुनि ने ही 10 लाख रुपए दिए थे कि इनको बदनाम करो। सोचो आप, ये भारत की स्थिति हो गई। इसलिए बच के रहें, सभी समाज जन से कहना है जागरूक रहें। आपके मुनियों को बदनाम करने की साजिश चल रही है, और बदनाम करने वाले भी आपके बीच के ही हैं। जैन मुनियों को बदनाम करने की साजिश चल रही है, बच के रहें। और पैसा देने वाले भी जैन हैं, करवाने वाले भी जैन हैं, और बदनाम भी कर रहे हैं जैनों को। सावधान रहें। मुनि हो, आरिका हो, चुल्लक जी हो, हर कोई चारित्र से अच्युत नहीं है। कई कई लोगों को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि इन सबको बदनाम कर दो अपन बचेंगे। सावधान रहें। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ये अच्छे व्यवहार के नहीं है, धीरज रखें। इन सबकी असमाधि होगी, कुमरण होगा, दुर्गति में जाएंगे। ज्यादा नहीं कहता हूं, आगम में लिखा है जो मुनियों की निंदा उनको बदनाम करते हैं उनके शरीर में कीड़े पड़ते हैं, उनके शरीर से बदबू आती है। और ग्रंथराज भावत्रय फल प्रदर्शी में बहुत अच्छी बात लिखी है कि मायाचारी करने से तिर्यंच बनते हैं, सही है ना। लेकिन गाय, बंदर, बैल, बकरी, सूकर कौन बनता है? मायाचारी करने से तिर्यंच बन गए, लेकिन मायाचारी के साथ जो मुनियों की निंदा करते हैं, उनकी पीठ पीछे उनके सामने अपवाद करते हैं, ऐसे लोग मर करके सूकर होते हैं। उनको कोई छूना पसंद नहीं करता, देखना पसंद नहीं करता। अच्छा व्यवहार रखें। अच्छा, मैं बूंदी आया हूं, मैं आपसे क्या लेने आया हूं बताओ? हाँ, जो आपने अपने लिए भोजन बनाया उसमें 2 रोटी हम खा लेंगे, जो आपने घर अपना रुकने का स्थान बनाया है उसमें कुछ दिन रुक के हम चले जाएंगे, आपका क्या लेने आए हैं? साधु भगवान लेते नहीं, सब कुछ देते हैं। तो साधु भगवान से कहना है कि उनका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अंकित रोहित पैसे वाला है तो उसको 2 हाथ से आशीर्वाद, सुनते जाना अतिशय। अब अतिशय बोले, महाराज जी हम तो सेवा कर सकते हैं, पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो ठीक ठीक पैसे वाला तो कमरे के अंदर तक, पैसे वाला नहीं है तो बाहर। नहीं नहीं, साधु की ये परिणति नहीं है। साधु की परिणति ऐसी होना चाहिए, पानी की तरह समतल होकर के सबको समान देते हुए बस। लेकिन मर्यादा का ध्यान रहे, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। माता जी आए तो आप लोग घुसे रहो, महिलाओं से कहना है वैयावृत्ति करो, खूब सेवा करो, लेकिन जब महाराज जी आए तो खूब आनंद लो, प्रवचन सुनो, उनकी मर्यादा में। रात्रि का समय फिर वहां कोई नहीं जाना। पुरुष वर्ग से कहना है माता जी आए तो खूब सेवा करो, विहार कराओ, उनकी दैनिक चर्या कराओ, चर्या कराओ, प्रवचन कराओ, सब कुछ कराओ, लेकिन थोड़ी सी दूरी से, मर्यादा से। वैयावृत्ति हो उनकी, वहां कभी रहना नहीं, बैठना नहीं। अपनी अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करेंगे आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, गुरुओं का भी अच्छा रहेगा। आप लोगों में से कोई ना कोई व्यापारी तो होगा,
कितने लोग व्यापार करते हैं? सभी करते हैं? नहीं, सब नहीं करते, कुछ नौकरी वाले भी होंगे। सबसे मेरा एक बात कहना है कि भैया, नौकरी करने वालों से भी कहना है कि उसी ऑफिस में अच्छा लगता है जहां का बॉस अच्छे से बात करे, नहीं तो ऐसा लगता है तू अपना पैसा रख अपने पास, हम एक रोटी कम खा के जिएंगे। माँ, सुबह सुबह पति देव आपसे बोले वो नाश्ता बन गया क्या? सुनना ध्यान से, अगर नाश्ता बन गया हो तो लगा दो, भाषा सुनना, क्यों बनाया कि नहीं बनाया, कि नहीं बनाया तुमने? अब पत्नी कहती है अब बना रहे, रुको रुको। और बेचारा, कई बार पति सीधे रहते हैं, हर बार ऐसा नहीं होता। पत्नी कहती, सुन रहे हो कि बताएं? एक व्यक्ति से मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने नाम बताया, मैंने कहा नहीं घर पे नाम क्या है, ओ जी ए जी, जी मतलब पता क्या होता है? गधा। वो इज्जत रख ले, ओ गधे, ओ जी ए जी, सुनो जी, रोहित तुम्हारा नाम क्या है घर में? हैं? रोहित की रोहित जी। अरे मां, नाम लो, जी लगा के बोला करो, भारतीय संस्कृति है। राम ने सीता को नहीं बुलाया, काय कितने जा रही, चिंटू की मम्मी, ऐसे नहीं बुलाया राम ने। राम कहते हे सीते, और सीता नहीं कहती काय, बड़े बेटे का नाम माना कि राहुल, तो पत्नी कहती क्यों राहुल, सुनना। पति देवते हाँ क्या हो गया, तो बेटा सोचता हमारा नाम राहुल रखा क्यों फिर, पति सोचता कि उसकी माँ ने इतना अच्छा नाम रखा क्यों फिर। माँ, नाम लेने का जो संस्कार है भारतीय सभ्यता है, लेकिन पीछे जी लगा करके। सीधा कहती थी हे राघव, पति से बोलो हे रोहित जी, रोहित जी इतना तो बोल सकते हो, तुम्हारी बच्ची को भी वही संस्कार मिलेंगे। अब एक से मैंने पूछा तुम्हारी पत्नी तुमको क्या बुलाती है, बोले हमारी पत्नी तो हर बार ये कहती, सुन रहे हो कि बताएं, सुन रहे हो कि बताएं, इतने में इतना बोल देती, सुन लीजिए रोहित जी, अंकित तुम्हारा नाम क्या है घर का, देवी क्या बुलाती घर में, सर, सड़ो, सड़ की सर, सर चंद्रिस भी आपको, हाँ क्या बुलाती, ये क्यों शर्मा रहे, ये ज्यादा शर्मा रहे, हैं क्या बुलाती है, हैं चंद्रेश जी। माँ, अगर आप सम्मान दोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे, तो ही अच्छा व्यवहार मिलेगा। बेटी ये ना सोचे कि ससुराल जा रही हूं, ये सोचे कि मैं अपने घर जा रही हूं। सास के साथ माँ से अच्छा व्यवहार करे, माँ बेटी से अच्छा व्यवहार करे, लेकिन देते नहीं हो तो मिलेगा कैसे, देते नहीं हो मिलेगा कैसे, अच्छा व्यवहार दो तो अच्छा व्यवहार। अजीत, शादी करोगे, करोगे भैया? वो कर्नाटक से आए, नारावी से, चिन्ना की दिया, येष्टु बंदरी, येष्टु जना बंदरी, नालकु जना, कर्नाटक से आए भैया, सुनो आप ध्यान से, अगर अच्छा व्यवहार मेरा उनके साथ नहीं होता तो 2000 किलोमीटर से चल के नहीं आते। देख लो सहज सागर जी, एक व्यक्ति से अच्छा व्यवहार किया तो उसका पूरा समूह आपका होता है, एक व्यक्ति से दुर्व्यवहार किया तो पूरा समूह आपका उससे टूटेगा, आपको उससे दूर होना पड़ेगा। भैया इतनी सी बात समझ लो, व्यापारी हो या कर्मचारी हो, या आपके यहाँ कर्मचारी हो, अच्छा व्यवहार रखो ना। जो घर में सफाई करने आ रहा है, उसे झाड़ू लगा, ऐसा नहीं, भाई जी जरा साफ कर देना, उसको भी सम्मान दो तो वो सम्मान देगी। मेरा तो ये नीतिकारों का कहना है कि अगर मालिक की पहचान करना है तो नौकर से उसके बारे में पूछ लेना, अगर नौकर तारीफ कर दे मतलब मालिक में दम है, क्योंकि व्यवहार अच्छा होगा तब तो होगा ना, व्यवहार तो अच्छा हो। ऊंची आवाज में अगर आपने किसी से बात की है तो तुम्हारा पद गिर जाएगा। नमन, तुमको समाज ने मंत्री बनाया है, बनाया कि नहीं, और तुम किसी को धक्का मारते मिल जाओ तो
तो लोग बोलेंगे लो अपन नहीं बैठाए और अपने को ही खिसका रहे हैं। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जो जितना ऊंचा व्यक्ति होता है उतना समझदार होता है, वो ये सोचता है कि अपन को भले ही कम मिले लेकिन साथ वाले को भरपूर मिलना चाहिए। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। माँ आज से व्यवहार कुशल बनो। सब्जी वाले के जाते हो, साड़ी की दुकान में जाते हो ना तो 1000 की साड़ी 3000 में लाते हो, और सब्जी वाले के यहाँ जाते हो उसने कहा 42 रुपये हुए, 35 रुपये देंगे, 38 रुपये में सेटलमेंट होता है, 4 रुपये आपने कम कर लिए, उसमें से भी 2 मिर्ची 1 नींबू धनिया पत्ती डाल लिया। वो भी सोचता होगा कि हे भगवान ये कैसी जैन समाज है। ओ भैया इंदौरी से हो, सुन रहे कि नहीं? व्यवहार अच्छा रखो तो काम आती है चीजें। सब्जी लेने जाओ और सब्जी लेने वाले के यहाँ जाओ, उसने कहा भैया कितने बोले, 125, नहीं नहीं हम तो 115 देंगे, नहीं नहीं वो तो बेचारा 5 रुपए के पीछे आधा घंटे किससे लड़ रहे। सब्जी वाले से बाजू वहीं बाजू में कोई खड़ा होगा सोच रहा बता यार इतना बड़ा करोड़पति आदमी, सेठ आदमी, सोने की चेन गले में पहना, ब्रासलेट पहना है, कार से उतरा, वो 5 रुपए के पीछे लड़ रहा है। अरे 5 रुपए वो कमा लेगा, ज्यादा तो तुम्हारा क्या चला जाए। उनको पता है सब्जी वालों को कि ये भाई ये सब गड़बड़ करते हैं, इसलिए पहले से डंडी मारते हैं, 1 किलो टमाटर में 1 टमाटर कम, परवल में 2 परवल कम। उनको पता है कि अभी धनिया पत्ती मांगेगा, जैन है, 1-2 मिर्ची डालेगा। अरे कोई मिर्ची के पैसे देते हैं क्या, बोले कोई क्या। और तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए दुकान पे तो 2 मीटर कपड़ा लिया, बोले अभी 2.25 मीटर कर दो, कुछ नहीं होता, कर दोगे। चाहिए है तो देना सीखें। सैंपल दिखाऊं आपको? हनी खड़े हो जाओ जरा, आज से तुम भी खड़े हो जाओ जरा, करो जय जिनेंद्र। देखा बोलो क्यों रे, प्रैक्टिकल देख लिया आपने? अगर ये गले मिलेगा तो तुम गले मिलोगे, और ये कॉलर पकड़ेगा तो तुम। जैसा आप जमा करोगे वैसा ही व्यवहार वापस मिलेगा। भैया कूलर के सामने जितने लोग बैठे, ठंडी हवा आ रही गर्म हवा है? ठंडी हवा आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि उसके अंदर पानी है। अगर आपके अंदर जिनवाणी है तो तुम्हारी भाषा में भी मधुरता होगी, शीतलता होगी, वरना तुम भी गाली देते मिलोगे। मैं तो उनको साधु मानता ही नहीं हूं जो जिनवाणी की जगह मुख से अपशब्द कहते हैं, कसाय कहते हैं। साधु हैं तो साधुओं की भाषा हो। अच्छा बताओ आप भगवान पारसनाथ अगर खड़े हो जाते और कमर से लड़ने लगते कैसा लगता आप लोगों को? हैं? एक मुनिराज थे, उनको एक सिद्धि हुई, उनको बेंतर सिद्ध हो गया, देव सिद्ध हो गया। तो बोले जब भी गुरुजी आप याद करोगे मैं आ जाऊंगा। तो महाराज जी बैठे थे जंगल में, एक धोबी निकला, धोबी ने कहा आगे बैठो ये घाट पे मुझे कपड़े धोना है। तो महाराज बोले मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठे रहूँगा, तेरे को जो करते हो वैसे कर ले। सो भैया वो तो वो क्या बोलते उसको जिससे आप लोग घर में खाते हो, बचपन में पिटाई तो हुई होगी ना, क्या बोलते, डोना, हमारे कहते मोगरी, मुंगरिया, कहीं कहीं कुचरा भी कहते हैं, वो लगा लो। उसने उठाया अपना कुचरा और चालू हो गया, किससे, महाराज से। तो महाराज भी जोश में आ गए, तो उन्होंने उठाई पिची, वो भी चालू हो गए। थोड़ी देर बाद महाराज ने उसके कपड़े फाड़ दिए, और महाराज समझ गया कि अब तो लफड़ा पिटने वाले हैं अपन। तो उन्होंने उस देव को याद किया, देव आया, 15 मिनट तक देखता रहा, चला गया, कुटाई हो गई महाराज की जबरदस्त। वो गुस्से में उन्होंने फिर याद किया, बोले क्या मतलब रहा, तू मेरा दोस्त है, तू आया क्यों नहीं बचाने? बोले मैं तो बचाने आया था लेकिन दोनों एक से ही, तो किसको मारता, आप भी बिना कपड़े के और वो भी बिना कपड़े का, उसके पास भी भाषा नहीं और आपके पास भी भाषा नहीं। साधुओं को साधुता रखना चाहिए, सज्जनता रखना चाहिए, व्यवहार में कुशल होना चाहिए। अगर कोई अपशब्द भी कह दे आपके लिए खुश होकर मुस्कुरा के सह लेना चाहिए। सीखो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज से कला सीखना चाहिए। इतना बड़ा उन्होंने जीवन जिया, समाधि की प्राप्ति करी, इतना बड़ा उन्होंने जैन समाज के लिए साधु समूह दिया, तीर्थ क्षेत्र दिए, क्या क्या नहीं दिया, उनसे सीखना चाहिए।
उन्होंने कभी अपने मुख से किसी की प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? उनको पता है प्रतिक्रिया देने से प्रतिष्ठा गिरती है। निंदा करने वाला भी निंदा करता हो तो करे, सामने करे, पीठ पीछे करे, करने दो। उसका मुंह अपरमित सागर जी नीतिकार एक बात और कहते, यद्यपि बुरी लगे सो कोई बात नहीं, शरीर में 9 मल द्वार हैं, है ना, उन 9 मल द्वारों को प्रतिदिन साबुन से मिट्टी से धो तो भी उसमें से गंध दुर्गंध ही आएगी, सुगंध नहीं आएगी। ऐसी जिसके मुख में जिनवाणी नहीं है, मनवाणी है, उसके मुख से अब शब्द निकलते दुर्गंध ही आती है। इसलिए भैया बच के रहो, अपना व्यवहार अच्छा करो। कौन क्या कर रहा है इससे क्या करना। शुभम बेटा अच्छे से अगर बात वार्तालाप व्यवहार करोगे तो अच्छी चीजें मिलेगी। किसी के यहां भोजन करने जाओ, ये क्या रख दिया आपने हमारे सामने, हम क्या गाय बकरी है क्या, चारा रख दिया हम खाएंगे ये सब क्या, ऐसा मत बोलो। तुमको नहीं रोचना, चुपचाप एक रोटी खाओ, पानी पी के बाहर आ जाओ। क्या ढोर बकरी समझ के हमको क्या है, ऐसा नहीं कहना बेटा, क्योंकि अपन ने दिया क्या उसको, अपन को तो मिले ही है। ये बूंदी है ना, बूंदी में मधुबन, या बूंदी में मधुबन में दो पंडित जी आए हुए 10 लक्षण में, सुनो नमन। अध्यक्ष जी ने एक बोला, एक नमन भाई ने बुला लिया, दो पंडित जी आए। अध्यक्ष जी क्या भोजन था, अध्यक्ष जी बड़े पंडित जी से पूछने गए, और पंडित जी आप ठीक हैं, कैसा क्या है। बोले आपके साथ वाला जो पंडित जी आए वो, अरे वो तो गधा है, कुछ आता है उसको क्या, कुछ नहीं आता, गंवार है। ठीक ठीक छोटे पंडित जी के पास गए अध्यक्ष जी, और पंडित जी सब ठीक है, आप कहाँ से पढ़े, उन्होंने बताया हम यहाँ यहाँ से पढ़े। अच्छा ये जो बड़े पंडित जी इनके बारे में, अरे वो तो बैल है, ठस बुद्धि है, उसको कुछ आता है क्या। अब अध्यक्ष जी क्या भोजन था, अध्यक्ष जी देख रहे थे भाई कैसा भोजन देना है, उन्होंने इनका परिचय क्या दिया, ये गधे हैं, उन्होंने इनका परिचय क्या दिया। भाई विद्वानों की बात मानना चाहिए, उन्होंने एक के सामने सूखी घास रख दी, एक के साथ गीली घास रख दी। बोले पंडित जी लोग प्रारंभ करें, पंडित जी बोले क्या तिरस्कार है विद्वान का। बोले नहीं, आपने जो इनका परिचय दिया वो भोजन मैंने दिया है, इन्होंने जो आपका परिचय दिया मैंने भोजन वो दिया है। बोले आप सूखा खाओ, आप गीला खाओ। पंडित जी को समझ में आ गया कि व्यवहार कुशल होना चाहिए, अच्छे शब्द होंगे तो लोग आपको अच्छा मानेंगे। गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी, गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी हर किसी को पसंद है। भैया ठंडा पानी चाहिए तो मटके में भरो भी, आपको अच्छा व्यवहार चाहिए है तो अच्छा व्यवहार करो भी। हमारे जैसा व्यक्ति तो एक बार के बाद दोबारा पूछे नहीं, बात ही ना करे। अगर आपका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है तो हम आपके प्रति बुरा व्यवहार तो नहीं करेंगे लेकिन मध्यस्थ हो जाएंगे। ओ भैया इंदौर में देख लिया आपने, जब अपन आए थे तब भी और जब अपन गए तब भी, अगर कोई दुर्व्यवहार भी करता है तो अपन को दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मिर्ची अगर कोई खा ले तो मिर्ची से ठीक नहीं होती, मीठे से ठीक होती है। तो मीठे बन के रहो, घी दो, बूरा बनो, तब भी तो चरपराहट कम होगी। कोई आपके लिए, आपके गुरुओं के लिए कुछ भी कह दे ओम, वहां ये सब नहीं करना, वहां उसको हिंदी में समझाना। बोले गुरुओं की निंदा करोगे उनको समझा देंगे। दुर्व्यवहार नहीं करना, उसको मारना नहीं, पीटना नहीं, गाली देना नहीं, समझाना, और नहीं समझे मध्यस्थ हो जाना। क्यों? जो दुर्व्यवहार रखने वाले होते हैं स्वयं सतः पतति, स्वयं सद्या पतति, वो एक दिन स्वयं नीचे गिरते हैं। बस थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, बस राहुल बेटा धीरज रख के चलना। जो दुर्व्यवहार करने वाले लोग हैं एक दिन अपने आप वो किनारे हो जाते हैं। आपने गाड़ी चलाई किसी ने देखा, नहीं चलाई, नहीं देखा, जिस जो गाड़ी चला रहा हो कंट्रोल में ना हो उसकी गाड़ी। और कुछ लोगों को देखा हमने, इनको कोई ना काम है, ना नौकरी, ना चाकरी, फिर भी गाड़ी की इतनी तेज गति से भगाते पता नहीं कहां जाते हैं। फिर देखना जो कंट्रोल में नहीं रहती जिनकी गाड़ी, उनकी गाड़ी क्या होती, रोडों के किनारे आड़ी तिरछी पड़ी मिलती है। ऐसी जिनके व्यवहार में कुशलता नहीं है, व्यवहार में कंट्रोलिंग नहीं है, उनकी जिंदगी गाड़ी दिन पलटी मिलती, कोई नहीं पूछता। इंश्योरेंस वाले कुछ दे देंगे, बाकी गाड़ी वहीं पड़ी रहेगी।
आप सभी अपने व्यवहार को कुशल बनाएं। अगर व्यवहार कुशल नहीं है तो आप अनुव्रति भी क्यों ना हो, महाव्रति भी क्यों ना हो, आपकी कीमत नहीं है। कोई प्रतिमाधारी है सभा में? दो प्रतिमा, तीन प्रतिमा, एक प्रतिमाधारी? कोई नहीं है, एक एक भी नहीं, बूंदी में कोई प्रतिमाधारी नहीं। चलो भैया इस बार जेई टारगेट लेके आना पड़ेगा। एक भी प्रति नहीं है बूंदी में? कितनी प्रतिमा है मां? हाँ एक प्रतिमा है, और कोई नहीं है बूंदी में? और प्रति है? है। सुनो सुनो माँ, अपन प्रतिमाधारी हैं, अपनी शुद्धि का विवेक अपन को रखना है। आपकी आने वाली पीढ़ी वो विवेक रखेगी नहीं पता। आपको शुद्धि रखना है, उस समय व्यवहार कुशल आपको बनना है। अगर आपने छू छू छी छी कर लिया, हटो तुम भगो, बोलेगा यार व्रति बनना ही नहीं है। हमारे पास जो बच्चे रहते हैं वो सोचते हैं कि यार अगर ऐसे महाराज बनना तो अपन बन ही जाएंगे, क्या दिक्कत है, बहुत ईजी है। क्योंकि उनको पता है कि व्यवहार कुशल है, अपन व्रति हों महाव्रति हों व्यवहार कुशल बने, भेदभाव ना हो। निर्मल भाई, साधुओं के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि अध्यक्ष जी आए हैं तो दो ही पैर से बात प्रच्छाल, और अध्यक्ष नहीं है पैसे वाला नहीं तो नहीं। अगर आपको सार्वभौमिक बनना है, सार्वप्रिय बनना है, तो आपको सभी के लिए एक सा व्यवहार रखना चाहिए। बस मर्यादा सबकी अपनी अपनी हो। रोहित, बच्चों की जिद पूरी नहीं करना, इच्छा पूरी करना। तुम्हारी गुड़िया रो दे अब मुझे गुब्बारा चाहिए अभी चाहिए, उसको समझाना जिद पूरी नहीं करना। बोले अभी तुम रो रही हो, आवाज नहीं आ रही, और रो। आज एक जिद करेगी, कल दो जिद करेगी, फिर बड़े होकर के बोलेगी इस लड़के से शादी करना है, फिर जिंदगी भर के लिए पछतावा रहेगा कि बचपन में संभालना था। जिद पूरी नहीं करना, व्यवहार अच्छा रखना। पैसा कमा किसके लिए रहे? उन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं, लेकिन उनको बिगाड़ने के लिए नहीं, संवारने के लिए। आपका समय हो गया भैया, कल फिर आओगे आप लोग? शाम को फिर आओगे? कितने लोगों ने हाँ बोला है? देखो फोटो खींचते रहेंगे, नहीं आए तो अपन फिर घर पर्चा भेजेंगे। सुनो, जिनकी भवितव्यता होती है वो देश ना सुनने के लिए खुद स्वयं चल के आते हैं, जिनकी भवितव्यता नहीं जबरदस्ती लाओगे तो भी चले जाएंगे। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है? हैं? अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है? विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए ना, शेष अपन आगे देखेंगे। मध्यान्ह में 3 बजे स्वाध्याय और शाम के 6:15 बजे 6:20 पर शुद्ध समाधान यहीं पर होगा। जिनकी मन की जो जिज्ञासा हो, जैसी भी हो, सबका समाधान आगम से मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।